बिहार के गया में मकर संक्रांति के मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कंबल, चूड़ा, गुड़, तिल, कुद का वितरण किया गया। गया शहर में भिक्षाजन करने वाले दिव्यांग, वृद्ध, विधवा या सहाय 350 लोगों के बीच रेड क्रॉस के प्रांगण में कंबल, चूड़ा, गुड़, तिल, कुद का वितरण किया गया। रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर मनोज बदानी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर मकर संक्रांति की बधाई देते हुए अपने हाथों से मौजूद लोगों को कंबल एवं चूड़ा का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर फाजल हुसैन, डॉक्टर पी एंड्राय, डॉक्टर एस जेड हसन, दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर तंगीर उस्मानी के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। वही कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी एवं मास्क का भी पूरा ख्याल रखा गया। आज संक्रांति के द्वारा हर एक साल हम लोग रेड क्रॉस से इन गरीब गुरुओं को कंबल, चूड़ा, गुड़ वगैरह देते हैं और यही मनाते हैं कि इनकी ज़िंदगी साल में इस साल ठीक रहे, हर एक आने वाले साल में ठीक रहे। और हम लोगों का ये कार्यक्रम बरसों से चल रहा है और 20-25 साल तक हो गया। तो ये इसके दिन भी होता है, जाड़े में भी हम लोग कंबल बांटते हैं और इस तरह से समाज से ये कार्यक्रम में कंबल रेड क्रॉस की ओर से बांटा जाता है और हम लोग बाहर से कहीं पर इसका डोनेशन नहीं देते, जो मेंबर चाहे वो दे सकते हैं। जी पहले तो सभी को जो लोग भी देख रहे हैं इसको, उनको नए साल की शुभकामना दें। और मैं सबसे कह रहा हूँ कि इसकी ज़्यादा खुशी है कि पुराना साल चला गया। एक मुश्किल साल था सबके लिए, हम लोगों के लिए। और अभी का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये रेड क्रॉस की तरफ से हर साल होता है। मकर संक्रांति के मौके पर हम लोग कंबल बांटते हैं गरीबों के बीच में, उनको चूड़ा देते हैं, उनको और सब सामान देते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ठंड का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, तो इस समय करीब करीब 300 से अधिक कंबल आज हम लोग बांट रहे हैं गरीबों के बीच में रेड क्रॉस द्वारा। तो एक बहुत अच्छा काम है और मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है। मैं साधुवाद दूंगा यहाँ के सारे लोगों को, रेड क्रॉस के लोगों को जो हर साल इसको बिना रुके करते हैं। और लोगों से ये अपील करूँगा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना सोचें कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो। और जो हमें मास्क लगाना है वो अभी कायम रखना है जब तक कि वैक्सीन पूरी तरह से न दे। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा गया द्वारा ये वितरित की जा रही है चूड़ा, भिलवा और एक कंबल। ये हर एक वर्ष पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम हम लोग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में हम लोग इंजॉय करते हैं सारे फैमिली लोग। इसमें ये जो विकलांग, गरीब, असहाय, वृद्ध जो लोग ये सब कर नहीं पाते हैं उनको इसमें बुला करके कार्ड भेज करके हम आमंत्रित करते हैं और वो आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। ये लगभग हम लोगों ने अभी 350 के लगभग कंबल लिया है और करीब 400 कंबल हम देंगे। 350 कार्ड दिया है, उसके बाद भी लोग जमा हो जाते हैं और उनको हम 50 और। We'll be right back.